अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जीनोम क्या चीज़ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर एन इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए सीक्वेंस। जो भी मेकअप जेनेटिक मेकअप है या किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का, वो कहाँ होता है, किस फॉर्म में होता है, डीएनए सीक्वेंस के फॉर्म में। तो जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स हैं उनको हम पूरा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीनोम बोलेंगे। तो ए टोटल सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पूरे जीनोम में जो टोटल बेस पेयर होते हैं उनका काउंट कितना होता है, 3 × 10⁻¹ बेस पेयर, ठीक है। और ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 1990 में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स के डेवलप होने के बाद ये पॉसिबल हो सका कि जीन्स को हम लोग आइसोलेट कर सकें, किसी भी पीस को, डीएनए के किसी पीस को हम लोग क्लोन कर सकें। और इसके अलावा सिंपल और फास्ट टेक्निक्स थी इस चीज़ के लिए कि डिटरमिनिंग डीएनए सीक्वेंस, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसको डिटरमाइन करने का सिंपल और फास्ट टेक्निक्स बहुत सारी जब डेवलप हुई तो फिर ये पॉसिबल हो सका कि पूरे ह्यूमन जीनोम की स्टडी की जाए। और फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 1990 में। तो इस तरह से इस जो प्रोजेक्ट था इसका ये मेन पर्पज था, ये पर्पज ये था कि जो पूरा जीनोम है, पूरा जीन है, मतलब ह्यूमन के डीएनए में टोटल डीएनए में कितने जीन्स हैं, तो उनका पूरा स्टडी करें, एक पूरा ओवरऑल स्टडी किया जाए जिससे हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी जीन कहाँ कहाँ मौजूद हैं और उनका जेनेटिक मेकअप क्या है। इसके बाद उनका जब जीन के बारे में जानकारी होगी तो फिर हम उससे उसकी वजह से जो जेनेटिक डिजीज हैं उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं और उस पर आगे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि आपने देखा कि जो टोटल बेस पेयर हैं ह्यूमन जीनोम में वो कितने हैं, 3 × 10⁹ बेस पेयर। और ये एक उस समय 1990 में एक इस्टीमेशन किया गया, कास्ट जो किया गया कि सिंगल जो बेस पेयर है उसके स्टडी के लिए जो $3 यूज होगा, तो $3 पर बेस पेयर ये इस्टीमेशन किया गया था उस समय, जो कि टोटल कितना होगा, $9 बिलियन उस टाइम पे ये किया गया था। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे लागत बढ़ती गई। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना ये टोटल नंबर होगा। टोटल नंबर का मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर क्या होगा, इसमें हम देखते हैं कि अगर एक पेज है मान लीजिए उस पे हम 1000 लेटर लिखते हैं और उस और वो टोटल पेजेस कितने हैं, 1000 है, और इस तरह की 3300 बुक्स लिखी जाए, तब जा करके पूरा इन जो डीएनए का सीक्वेंस है उसका हम पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते। तो हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा नंबर में डाटा होने की वजह से जो इनका हमारे पास ऐसे एक डिवाइस होनी चाहिए जो हाई स्पीड डिवाइस हो, हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइस हो, जो कि डाटा स्टोरेज, रिट्राइवल और एनालिसिस का फंक्शन कर सके, तेज़ी से कर सके। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या HGP शॉर्ट में हम कर सकते हैं, इस क्लोजली एसोसिएटेड विद रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू एरिया इन बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एक न्यू एरिया बायोलॉजी में आजकल आ रहा है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है एक्चुअली, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आपके बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स, ये सब सारी ब्रांच इसके अंदर आ जाती हैं। इनका फंक्शन क्या है, ये सारे ब्रांचेस आने की वजह से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिट कर सकते हैं सारे बायोलॉजिकल डाटा को, और कम टाइम में कर सकते हैं। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड हो और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जिसके अंदर, दोनों को कंबाइन आपने कर दिया तो क्या हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी इसमें कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंबाइंड हो जाती हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो अब कुल मिला के हम देखते हैं आगे कि ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट का क्या इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं, उनके गोल्स क्या हैं, किस लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि इसका जो सबसे मेन गोल है वो क्या है, आइडेंटिफाई ऑल स्प्रॉक्स 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो हमने जैसा चर्चा किया था कि जितने भी जीन हैं ह्यूमन के अंदर, जो अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं, 20,000 to 25,000 ह्यूमन डीएनए में, उन सभी को
आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से जीन हैं ह्यूमन के अंदर, पहला गोल। सेकेंड क्या है इसमें कि जो जो भी जीन्स हैं उनके अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, है ना। तो डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर होते हैं जो कि ह्यूमन डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, तो इनके सीक्वेंस को भी डिटरमिन करना। जीन तो हुआ है, जीन के साथ साथ जितने भी उसमें बेस पेयर हैं उनके सीक्वेंस को भी डिटरमिन करना है। सिर्फ जीन के बारे में नहीं, उनका जो मतलब हर एक बेस पेयर की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि कौन सा बेस पेयर कैसे जुड़ा हुआ है, कौन से जीन में कौन सा बेस पेयर है, इस तरह से। और इन सारे थर्ड पॉइंट इनमें है कि स्टोर द डाटा बेस, है ना, स्टोर इन द डाटा बेस, जो इंफॉर्मेशन है उसको डाटा बेस में स्टोर भी करना है। इसके बाद इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, जो भी डाटा एनालिसिस होगी उसके लिए जो टूल्स होने चाहिए वो थोड़ा इम्प्रूव होने चाहिए ताकि बेटर वे में हम उसको कर सकें और जरूरत पड़ने पे उसको हम डिट्राइव कर सकें। इसके बाद ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, है ना। तो ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, जैसे कि जो आपने मान लीजिए जीन इसका सीक्वेंस जान लिया कि कौन सा क्या है, अब उसको हम इंडस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में यूज करने के लिए भी उसको हम ये मतलब जैसे कि जीन को हम इस तरह से जान लें कि उसका हम कहीं इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी में यूज कर सकें, वो भी इसका एक गोल है। बायोटेक्नोलॉजी आगे टॉपिक है, इसमें आप समझ जाएंगे कि ये कैसे जीन्स का जो सीक्वेंस है वो यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद हम लोग एक और इसमें पॉइंट है, एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम प्रोजेक्ट। और जो इसके वजह से जो इथिकल लीगल या सोशल इश्यूज एड्रेस हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनको भी इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट से जो भी चीज़ें आएंगी सामने इस तरह की, उसको भी आपको रिजॉल्व करना होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत इसके गोल्स में रखी गई ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट के। तो इतने सारे इसके गोल्स थे, इनके एम्स थे इसके, जैसा कि मैंने चर्चा किया। जो ये पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट होने में 13 ईयर्स लगे जैसा कि हमने बताया, और US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दोनों इंस्टीट्यूट ने मिल करके ये सारी प्रोसीजर को, इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ SGP वेलकम ट्रस्ट UK बिकम ए मेजर पार्टनर, है ना, और एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान। इसके अलावा UK का एक वेलकम ट्रस्ट था, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा जापान ने भी एडिशनल कंट्रीब्यूशन किया, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और काफ़ी मतलब इसके अलावा भी कुछ कंट्रीज थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूशन किया। तो प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ, 1990 में और कंप्लीट हुआ 2003 में। द नॉलेज अबाउट इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल कैन लीड टू रिवॉल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट एंड सेकेंडरी समडे प्रिवेंट द 1000 ऑफ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। कहने का मतलब ये है कि अगर DNA वेरिएशंस के इफेक्ट के बारे में जितनी ज़्यादा हमारी नॉलेज होगी तो उससे क्या होगा कि उससे हम लोगों के लिए एक रिवॉल्यूशनरी वे मिलेगा किस चीज़ के लिए, डायग्नोस, ट्रीट और समडे प्रिवेंट द 1000 ऑफ डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारी डिसऑर्डर से, बीमारियों से बचने के लिए एक रिवॉल्यूशनरी वे, रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी जिसको आप कह सकते हैं, वे मिलेगा हमको किस चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए, तीनों चीज़ डिजीज किसी भी जो ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर हो रहे हैं। तो अगर हम ये जान लें कि जो DNA में वेरिएशन हो रहा है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, तो हम बहुत सारी डिजीज से अब ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन भी कर सकते हैं और डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। बहुत सारी डिजीज हैं ऐसी जिनका हम लोग DNA के मॉड्यूल से जान, DNA के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम ये जान सकते हैं कि ये डिजीज है पर्टिकुलर पर्सन को। जैसा कि आपने बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई जीन डिफेक्टेड है तो अगर उसके बारे में हम जान लें तो उसका फिर हम प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाए, या फिर उनके बारे में कम से कम डायग्नोस तो हम कर ही सकते हैं कि वो कहाँ से किस जीन की डिफेक्ट से हो रहा है। तो इस तरह से अगर जीन के बारे में हमें नॉलेज है, DNA के वेरिएशन के बारे में नॉलेज है, तो हम डिजीज के बारे में भी काफ़ी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में एक वे हमें मिल जाएगा कि किस तरह से इनको हमको ओवरकम होना है इस बीमारी से।
तो इस तरह से ये तो अभी हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे थे,